हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की और वहाँ के हनुमान जी का क्या चमत्कार है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर भारत के हिंदू धर्मों के चार धामों में से एक धाम माना जाता है। इन प्रमुख चार धाम हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका और रामेश्वरम। जगन्नाथ मंदिर में हनुमान जी का चमत्कार क्या है आज इसके बारे में अपन जानेंगे। इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रयुम्न ने बनाया था और वो भी हनुमान जी की प्रेरणा से बनाया था। इसीलिए उस मंदिर के चारों द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति और हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। हमेशा हनुमान जी उस मंदिर की रक्षा करते रहते हैं। एक बार एक पौराणिक कथा है जो मैं आपसे एक साझा करता हूँ। एक बार नारद जी प्रभु का दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं और हनुमान जी प्रवेश द्वार पर खड़े हुए होते हैं तो नारद जी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु इस वक्त आराम कर रहे हैं और आप इस वक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। नारद जी कहते कोई बात नहीं। नारद जी वहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, लेकिन जब वो खड़े खड़े नारद जी मंदिर के अंदर झांकते हैं तो प्रभु श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे हैं और श्री लक्ष्मी को कहते हैं कि क्या करूँ, ये समुद्र की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती है। जब यह बात नारद जी को पता चलती है तो नारद जी यह बात हनुमान जी से कहते हैं। हनुमान जी बड़े गुस्से में हो जाते हैं कि यह समुद्र मेरे प्रभु को सोने नहीं दे रहा है। हनुमान जी समुद्र को कहते हैं कि अपनी आवाज़ बंद कर लो तुम, तो समुद्र उसी वक्त प्रकट होते हैं, कहते हैं कि ये आवाज़ मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आपको पवनदेव के पास जाना पड़ेगा। हनुमान जी के पिताजी होते हैं पवनदेव, तो हनुमान जी पवनदेव के पास जाते हैं तो पवनदेव भी कहते हैं कि ये मेरे लिए असंभव है हनुमान, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। तुम इस मंदिर के चारों ओर ध्वनि रहित वायु कोष की एक व्रत बना दो जिससे इस समुद्र की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उस मंदिर के चारों ओर बहुत ही तेज़ गति से घूमते हैं, चारों ओर तेज़ गति से घूमते हैं, जो आवाज़ होती है वो आवाज़ बाहर ही रह जाती है, अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इस प्रकार जब आप कभी उस मंदिर में जाओ तो देखना, जैसे आप मंदिर के अंदर पैर रखोगे तो वहाँ समुद्र की आवाज़ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, और जब आप उस मंदिर से जैसे ही बाहर निकलोगे ज़ोर से आपको मंदिर समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। तो आज भी ये चमत्कार आप देख सकते हो कि कैसे मंदिर के अंदर जाते ही आपको समुद्र की आवाज़ नहीं आएगी और जैसे ही मंदिर के बाहर आते ही आपको समुद्र की आवाज़ आएगी। तो आज ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का मैंने आपको पौराणिक कथा सुनाई कि हनुमान जी का क्या चमत्कार है। इसी के साथ देखते रहे मेरे वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।